गुड मॉर्निंग कलिसिया, आप सभी को जय मसीह के। और आज के डिवोशन का विषय है गंदे लेकिन सुंदर पैर। हमारे जीवन में परमेश्वर का सबसे बड़ा और अनुग्रहकारी कार्य यह है कि हम उद्धार पाए हैं, और यह कार्य परमेश्वर ने किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में किया है। मतलब कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, उसने हमें सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार पर हमने विश्वास किया, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और हमने उद्धार पाया है। इस चित्र को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए अपने पैरों को गंदा किया और हमारे पास आकर हमें परमेश्वर के वचन सुनाए, ताकि हमारा गंदा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाए, सुंदर बन जाए। और यशाया का 52वां अध्याय और वचन 7 में इस प्रकार से लिखा है। यशाया 52:7 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उस वचन में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने है, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। इस वचन के अनुसार जो पैर सुसमाचार के कारण गंदे होते हैं या मैले होते हैं, वह पैर परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है। इस महीने में, दिसंबर के महीने में, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसके कारण हम बाहर निकल सकते हैं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है जो आपके लिए क्रूस पर मरा है, और वो है प्रभु यीशु, और इस कार्य में हम सहभागी हो सकते हैं, लोगों को जीवित परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस समय बाहर निकलिए, अपने पैरों को मेले कीजिए सुसमाचार प्रचार करने के कारण, ताकि परमेश्वर की दृष्टि में आपके पैर सुहावने हैं, सुंदर है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसे पैरों को धोते हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्य के पैरों को धोए ताकि वो पैर सुसमाचार के कारण मेले हुए थे। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारी अगुवाई करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, और परमेश्वर हमें सामर्थ्य भी देते हैं जब कभी हम बाहर जाते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं कि हम उसके कार्य के लिए आगे बढ़ते जाए, या मानो उसके सामर्थ्य से हम उसका कार्य करते जाए। और वचन इस प्रकार से कहता है कि पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने है, जो शुभ समाचार लाता है। हमारे पैर परमेश्वर के दृष्टि में सुहावने हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक फैलाते हैं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि तैयार रहिए, परमेश्वर आपको मौके देंगे लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए। परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो उनकी खोज कर रहे हैं, परमेश्वर आपको राह दिखाएंगे ताकि लोग उद्धार में आ सके। और मानो इस प्रकार से है कि हम परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, बाहर निकलते हैं, सुसमाचार बांटते बांटते अपने पैरों को मेले करते हैं, लेकिन वही पैर परमेश्वर के दृष्टि में सुहावने भी है और सुंदर भी है। तो अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।